नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक बहुत ही छोटा सा मगर बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हमने चार भाव देखने हैं। कौन कौन से भाई? तीसरा, छठा, दसवां और ग्यारहवा। ये चार भाव देखने हैं और पांच ग्रह देखने हैं। कौन कौन से? सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। ये पांच ग्रह में से कोई भी दो ग्रह इन चार स्थानों में से किसी भी स्थान में आ जाए, चाहे इकट्ठे आ जाए चाहे अलग अलग आ जाए, यानी सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु, इनमें से कोई दो ग्रह तीसरे, छठे, दसवें या ग्यारहवें भाव में आ जाए तो ये योग बनता है। अगर दो से अधिक ग्रह आ जाए तो ये योग और भी शक्तिशाली हो जाता है। तो भाई, जिसकी कुंडली में ये योग बनता है, जातक पूरे जीवन भर इज्जत की रोटी खाएगा और किसी के सामने उसको हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। और जातक बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर इस मृत्यु लोक को अलविदा कहेगा। अगर उसके जीवन में कोई कठिनाई भी आएगी तो बहुत थोड़े समय के लिए आएगी, टेम्परेरी पीरियड के लिए आएगी। कोई दशा, अंतर दशा खराब हो तो कठिनाई आ सकती है, वरना इतना उसको जरूर मिलेगा कि उसका जीवन बहुत अच्छा चल सके। थैंक यू वेरी मच।